यदि आप HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खुलवा सकते हो। आपके भी मन में यह सवाल आया ना कि HDFC बैंक में तो जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता भी नहीं है, तो फिर आप 20-20-30-30 मिनट लंबी वीडियो क्यों देख रहे हो? क्या वो आपको HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना सिखाते हैं? वो क्या करते हैं, जब वो पेमेंट वाली जहाँ पे अमाउंट या और अकाउंट सेलेक्ट करने की बात आती है, उस पार्ट को काट के आपको पूरा वीडियो दिखा देंगे और वो वीडियो बना देंगे 16-17-18 मिनट का। उनका बहुत टाइम तो आ जाता है, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन उसमें घाटा किसका है? आपका, क्योंकि आपको HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना था और आप नहीं खोल पाते। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, प्रूफ के साथ बताऊँगा, ऐसे हवा में बात नहीं करने वाला मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि HDFC बैंक में क्या सच में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है। तो इसका आंसर है नहीं, HDFC बैंक में कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खुलता है। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कितनी राशि आपको न्यूनतम जमा करानी पड़ेगी HDFC बैंक में, तब जाके आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन होता है। तो मैं आपको बता दूं, HDFC बैंक में नॉर्मल दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, एक फार्मर अकाउंट खुलता है, एक खुलता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपको 5,000 रुपये न्यूनतम डिपॉजिट करने ही होंगे। चाहे कोई भी यूट्यूबर, कितना भी बड़ा यूट्यूबर आपको आगे कहे कि मैं HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकता हूं, तो भाई वो झूठ बोल रहा है। एक होता है फार्मर, यानी वो किसानों के लिए अकाउंट खुलता है, उसमें आपको 2,500 रुपये की राशि जमा करानी पड़ती है। वो भी मैं अभी आपको लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाके दिखाने वाला हूं कि क्या क्या आपको अकाउंट ओपन कराने चाहिए। लेकिन ये क्या है, आप उन वीडियो पे लाखों लाखों व्यूज आए हुए हैं, तो आज के बाद आप HDFC बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ऐसा कहीं पे भी थंबनेल देखें इस वीडियो को छोड़ के, यदि आप उसकी रिपोर्ट करें। आप यदि सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते तो गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो? शर्मानी चाहिए, आपके पास 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 सब्सक्राइबर है, वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। ICICI बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है तो वो संपूर्णतः जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसमें कोई बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन HDFC बैंक अभी क्या हाइप बनी हुई है, HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया था, तो कुछ लोगों के बीच में हाइप बनी हुई है कि मैं क्रेडिट कार्ड ले लूं, उसमें अकाउंट ओपन करवा लूं। कुछ यूट्यूबर उसी बात का फायदा उठा के HDFC बैंक में कह रहे हैं मैं आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा दूंगा। अरे कहां खुलवा देगा तू, कोई अकाउंट खुलता ही नहीं HDFC बैंक में। चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या सच में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है, यदि खुलता है तो आप क्यों नहीं खोल पा रहे हो? तो चलिए, तो HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। ऐसे कहते हैं ना आपके बड़े यूट्यूबर, तो आ जाओ। अब चेक करते हैं और देखते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हैं या नहीं खुलवाते। तो ओपन अकाउंट नाउ इस पर क्लिक कर देंगे, इंटर योर मोबाइल नंबर डाल के आपको आगे की तरफ क्लिक करना है। पेपरलेस सेविंग अकाउंट योर विथ फुल बेनिफिट्स, ओपन योर अकाउंट नाउ क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर, पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, पैन कार्ड नंबर और कैप्चा डाल के यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन, इनकी पॉलिसी है, उसको टिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP डाल के आपको आगे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक KYC डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, यदि आपके पास आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है। प्रोसीड पे क्लिक करें, एक पूरा पेज आ गया आपके पास, इसको पढ़ के आपको एग्री करना है। जिस डॉक्यूमेंट को आपने सेलेक्ट किया था उसका आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो आधार कार्ड नंबर डालता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आधार OTP ऑथेंटिकेशन करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उन पे एक OTP आएगा, वो OTP डाल के आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रहे हैं आपके बड़े यूट्यूबर, अभी देखिए, आप इंतजार कीजिए। लो जी, अब आपके सामने आ गया है अकाउंट एंड ब्रांच। आपके सामने बहुत सारे अकाउंट आ गए, सेविंग अकाउंट, कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ पे सेविंग फॉर्मर और रेगुलर सेविंग अकाउंट। मैं आपको दोनों अकाउंट सेलेक्ट करके बताने वाला हूँ कि इसमें कितने पैसे मांगते हैं। आपको डिपॉजिट करने के बाद ही आपका अकाउंट ओपन होगा, ध्यान रखना। मैं चलो रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, मेरी गारंटी है। आप अपने यूट्यूबर को देख लीजिए, यदि वो आपको ये प्रोसेस करके बता देता है, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद में OTP आएगा, OTP डालने के बाद में जैसे आप वेरीफाई करोगे उसके बाद में ये स्क्रीन आनी चाहिए, आपके सामने दिख रहा है, आपने KYC पूरी कर ली, अकाउंट एंड ब्रांच आपको सेलेक्ट करना है। मैं रेगुलर सेविंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। मेरा राजस्थान स्टेट सिटी नागौर, और मैं ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे नागौर, प्रोसीड पे क्लिक करूँगा।
अब आपके सामने कैसी स्क्रीन आ रही है। 5,000 रुपये आपको एवरेज मंथली बैलेंस रखना जरूरी है रेगुलर सेविंग अकाउंट में। यदि आपका कोई यूट्यूबर ये बता देता है तो मुझे गालियां दे सकते हो कमेंट में, लेकिन आपके यूट्यूबर नहीं बताएंगे ये, क्योंकि वो आपको पागल समझते हैं, आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। यार उनको बड़े बड़े यूट्यूबर को शर्म नहीं आती है, वो इतना फेक वीडियो बनाते हैं केवल व्यूज और वॉच टाइम के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ, एक और अकाउंट है जिसमें आपको 2500 रुपये का, एक आपको मैं ऐसा अकाउंट बताऊंगा जिसमें एवरेज मंथली बैलेंस 2500 रुपये। तो चूज अनदर अकाउंट टाइप में क्लिक करता हूँ और सेविंग फार्मर पे क्लिक कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांच करना है मुझे, मैं कर लेता हूँ। स्टेट, सिटी और ब्रांच नाम भरने के बाद में प्रोसीड पे क्लिक करें तो देखो आपके सामने आ गया सेविंग फार्मर अकाउंट। ये किसानों के लिए अकाउंट खुलता है, तो इसमें आपको 2500 रुपये मंथली बैलेंस रखना जरूरी है। लेकिन जीरो बैलेंस में कोई अकाउंट नहीं खुल रहा है अभी, आपको HDFC बैंक में यदि अकाउंट ओपन करवाना है तो आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो 5000 रुपये का आपको मंथली बैलेंस रखना ही होगा। और यदि आप किसान हो और HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको 2500 रुपये मंथली बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। ये जानकारी कैसी लगी? यदि सटीक जानकारी लगी है और आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।